जय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन तीनों के बीच दो चीजें कॉमन है। इन तीनों के ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं और ये तीनों ही इंडिया से भागकर यूके पहुंच गए। बट ये तीन ही नहीं है जो यूके भागे हैं, बल्कि आज तक 5,500 से ज्यादा इंडियन क्रिमिनल और फॉस्टर यूके में पॉलिटिकल असाइनमेंट ले चुके हैं। कहने के लिए तो यूके और इंडिया के बीच 1992 में एक एक्सट्रैडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंडर इंडियन गवर्नमेंट किसी क्रिमिनल या फॉस्टर को वापस लाना चाहे तो प्रोसीजर फॉलो करके वापस ला सकती है। बट 1992 से आज तक सिर्फ एक आदमी वापस आया, जिसका नाम है समीर भाई विनू भाई पटेल। दरअसल जब ये फ्रॉस्टर इंडिया से भागते हैं तो यूके इनका पूरा स्वागत करता है। अगर इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 2 मिलियन पाउंड हो, अगर ये 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर देते हैं तो यूके का गोल्डन वीजा भी मिल जाता है। इसके अलावा यूके में ह्यूमन राइट्स पे स्ट्रॉन्ग लॉ है, जिसकी वजह से क्रिमिनल काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं। इन फ्रॉस्टर और क्रिमिनल के यूके आने से यूके के बैंक में काफी बड़ा पैसा आता है और यूके का वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक फैसिलिटेट करता है।